डीजीपी डीएम अवस्थी ने ली रायपुर रेंज की बैठक, जिले में घटित अपराधों को लेकर की गई समीक्षा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज राजधानी रायपुर के पुरानी पेस्कू में रायपुर रेंज की बैठक ली। इस बैठक में रायपुर एसपी समेत रायपुर रेंज के सभी एसपी और रायपुर रेंज के आईजी मौजूद थे। इस बैठक में जिलों में घटित अपराधों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर डीएम अवस्थी ने सभी एसपी को निर्देश दिया कि आने वाले इस साल के जो 4 महीने हैं उस पर बेहतर तरीके से वो काम करें। बैठक को लेकर डीआईजी संजीव शुक्ला ने कहा कि पुलिस महानिदेशक की मंशा थी कि रेंज बार बैठक करके जिलेवार अपराधों की बारीकी से समीक्षा की जाए और उसमें पर्याप्त समय दिया जाए। सरगुजा और बिलासपुर रेंज की बैठक 2 दिनों में हुई है। आज रायपुर रेंज की बैठक डीजीपी ने ली है। इस बैठक में जिले के अपराध, अपराध नियंत्रण, अपराधों का निराकरण, आरोपियों पर कार्रवाई, दुर्घटनाओं की संख्या, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई, गिरफ्तारी वारंटों की तमली, इस तरह के जो बेसिक पुलिसिंग के एस्पेक्ट हैं उसकी बारीकी से समीक्षा हर जिले की डीजीपी ने किया और सभी को आगे इस साल के 4 महीने बचे हैं उसमें किस तरह कार्रवाई करना है उसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी एसपी और आईजी को यह भी निर्देश दिया कि जो सरकार के प्राथमिकता वाले विषय हैं उस पर भी बेहतर तरीके से कार्य किया जाए। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा।